स्क्रीन को लाइव कर रहे हैं सर। लास्ट क्लास में हमने आपको क्वेश्चन नंबर कितने तक करा दिया, प्लीज़ यदि किसी को याद हो तो एक बार बता सकते हैं आप लोग, नहीं भी आ रहे तो मैं बता देता हूँ। यस, यहाँ तक हो गया था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो था हमारा हो गया था, यदि पी अपॉन टू इक्वल टू आर, इस तरीके का क्वेश्चन था, आर का यदि मध्य का कोण पूछा गया था। हाँ, ये तो कर लिया था हम लोगों ने, और ये वाला कोण भी आ गया था, ठीक। यस, कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 55 से आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्लास। चलिए देखिए, पहला सवाल उठाते हैं मित्रों। तो इस सवाल में तो डायरेक्टली फार्मूला लगा है, और अब तक ये फार्मूला आप सभी को याद हो चुका होगा। बता दीजिए आप ही लोग इसका आंसर क्या होगा। एक प्रक्षेप को u वेग से इसी कोण पर क्षैतिज पर है, तो महत्तम ऊंचाई क्या होगी, मतलब कुल मिला के सीधी मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बताना है। क्या पढ़ा है आपने फार्मूला, याद है आप सभी को? फॉर्मूला याद है आप लोग, बताइए। देखिए सर, तो ये बताइए इसका सवाल का जवाब क्या होगा। सर ये महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला है, आपको याद नहीं है क्या? फर्स्ट आंसर होना चाहिए सर। हाँ सर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा पॉइंट टू जी। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है। चलिए अगला सवाल है कि एक गेंद को 40 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, और वह फिर से उछल करके 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, तो बताइए कि उसमें गतिज ऊर्जा की कमी क्या होगी। चलिए सर इसको करते हैं। इसमें हमें बताना है कि एक गेंद को हमें 40 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, और फिर इसके बाद से ये गेंद जो है ये उछल करके 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, तो गतिज ऊर्जा की कमी क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर इसमें हम, क्योंकि गेंद जो है शुरुआती रूप में 40 मीटर की ऊंचाई पर थी, तो हम 40 मीटर पर गतिज की स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, क्योंकि नीचे गिरने पर पूरी की पूरी स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा से ही काम चल जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट सिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 एक्चुअली कह रहा है कि एक गेंद यहाँ पर थी मान लीजिए, और इस गेंद की ऊंचाई कितनी है ज़मीन से, धरातल से ये ज़मीन से ऊंचाई है गेंद की 40 मीटर, है ना। और जो है 40 मीटर से ये गेंद यहाँ तक गिरी, और इसके बाद ये जो गेंद है रिबाउंड होकर के ऊपर जो है 20 मीटर तक जाती है, है ना। तो सबसे पहले ये गेंद यहाँ पर ऊर्जा कितनी लेके आएगी, टकराने के पहले की ऊर्जा K1 मान लीजिए, तो टकराने के पहले की ऊर्जा K1 के लिए हमें यहाँ पर इसका वेग निकालना पड़ेगा, और तब उसकी गतिज ऊर्जा निकाल पाएंगे। तो इससे सबसे बेहतर तरीका है कि इसकी हम स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं, क्योंकि टॉप पॉइंट पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है P1 वो कितनी होती है MgH, और वही नीचे आते आते K1 में बदल जाती है, मतलब जो P1 है वही K1 है, तो MgH। तो यहाँ पर जो बॉडी है, बॉडी का द्रव्यमान नहीं दिया गया है m, g की वैल्यू g है, और h कितना है 40, तो ये हो गया 40 mg, ठीक। और इसके बाद तो ये 40 mg इसकी क्या है K1 हो गई, क्योंकि ये टकराने के समय की ऊर्जा है। अब ये जो बॉडी है ये लेकर के कितनी जाएगी, मान लीजिए ये दूसरे हाइट H2 तक जाती है, जो कि 20 मीटर दिया गया है। तो जो यहाँ पर इसकी टॉप में स्थितिज ऊर्जा बन गई है U2,
वो U2 इसलिए बन गई है कि टकराने के बाद जो इसकी गतिज ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा खर्च होते 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 धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। तो P2 दूसरी वाली स्थितिज ऊर्जा होगी वो K2 होगी, और K2 इक्वल टू MgH- ले लीजिए, तो M की जगह M, G की जगह G, और H की जगह कितना, 20, मतलब ये हो गया 20 Mg। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी का फॉर्मूला होता है ज़्यादा वाली वैल्यू 40 Mg, कम वाली वैल्यू 20 Mg अपॉन प्रारंभिक वैल्यू 40 Mg चालीस एम जी गुणे 100 गुणा 100 एम जी एम जी एम जी कॉमन लेके कैंसिल, ऊपर आएगा 20, नीचे आएगा 40 गुणे 100 पचास प्रतिशत में आंसर आ गया 50%। ठीक है, तो इस जी तरीके सर। से इसका आंसर हो गया हमारे पास 50%। ये देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, मोमेंट किसी सम चक्राकार छल्ले जिसका द्रव्यमान m तथा त्रिज्या 2a केंद्र से अक्ष के जो लंबवत समतल है उसके सापेक्ष जड़त्व को। देखिए छल्ला है, अब छल्ले के लिए अगर r त्रिज्या होती है, तो छल्ले के लिए अगर r त्रिज्या है, इसके केंद्र से जाने वाला और इसके तल के लंबवत जो जड़त्व घूर्ण निकलता है छल्ले का जो जड़त्व घूर्ण निकलता है वो निकलता है mr2। ओके, और याद जी रखिएगा इसके जो जी डायमीटर यानी कि व्यास के परतः जो जड़त्व घूर्ण होता है वो होता है mr2/2। तो याद रख लीजिए, ये कॉपी में नोट कर लें, व्यास के परितः जो जड़त्व घूर्ण होता है होता है mr2/2, और जो अक्ष के परतः वो के है हमारी स्क्वायर। परितः जो होता है वो होता है mr2। तो फिलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो त्रिज्या है वो 2a है। देखिए प्रश्न में त्रिज्या 2a है, तो कुल मिला के यहाँ पे I इक्वल टू m और r की जगह हो जाएगा 2a2, तो आंसर कितना हो गया 4ma2। तो ऑप्शन में चेक करिए है कि जी नहीं है, 4ma2 डी ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा डी। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। जी सर चलिए ठीक है सर, तो 4ma2 आंसर डी हो गया। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, जी जिसको दिक्कत हो प्लीज़ रोक करके बताएं। हाँ भाई, इक्वेशन ऑफ कैंटेनरी हरा की PGT का क्वेश्चन है, तो TGT में आएगा नहीं, वैसे C10 5 होता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 जो है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फेयर ऑफ मास m एंड r रेडियस अबाउट डायमीटर। देखिए सॉलिड स्फेयर दिया गया है, सॉलिड स्फेयर मतलब कि द्रव्यमान भरा हुआ है, और मैंने आपको बता दिया है कि भरे हुए द्रव्यमान वाले का जो जड़त्व घूर्ण होता है वो होता है 2/5 mr2। नोट कर लीजिए इसका, 2/5 mr2 याद सेकंड करने वाला है, सीधा सीधा 2/5 mr2। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ यस, आई स्टोन। अगला क्वेश्चन है, आई स्टोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एक पत्थर को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ओके, एक पत्थर को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, और इसका जो वेग है, इनिशियल वेग है, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड फेंका जाता है, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एट विच हाइट द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी स्टोन विल बी इक्वल। अब यहाँ से जब ये यहाँ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है जाएगी बढ़ती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी के बराबर कितना, जीरो। अब कह रहा है किस बिंदु पर, किस हाइट पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएंगे। ओके, किस स्थिति पर इसकी गतिज ऊर्जा और जी स्थितिज। सर आपका जो बैकग्राउंड साउंड है बहुत ज़्यादा कीड़ों का आ रहा है, आप साउंड ऑफ कर लीजिए। हाँ सर, तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि किस पॉइंट पर स्थित हो। मान लिया मैंने कि ये पॉइंट है और ज़मीन से इसकी हाइट है h, तो h हाइट पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा हम मान के चल रहे हैं बराबर हो जाएगी। तो कह रहा है वो हाइट कितनी होगी, आइए कंसेप्ट लगाते हैं। तो मान लीजिए लेट एट हाइट h, एच पे पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा।
तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है एम जी एच और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है। एम से एम हो गया कैंसिल, तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया टू जी एच, ठीक है ना। तो वी स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास आ चुका है टू जी एच। अब हमें देखिए यहाँ पे हाइट निकालनी है, हमें मेनली हमारा कंसर्न क्या है हाइट निकालने का, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू जी। तो ये हमारे पास है, हमें कुछ भी करके वी स्क्वायर अपॉन टू जी निकालना है। वी स्क्वायर मीन्स आप जो है स्टोन को जब फेंका जा रहा है तो किस वेग से फेंका जा रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे वी दिख रहा है मगर हमने फेंका नीचे से है, मतलब इनिशियली जो वी है वो हमारी भाषा में यू रहेगा क्योंकि हमने स्टोन को नीचे से फेंका है। तो जो फेंकते समय इसकी गतिज ऊर्जा है वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर, मगर यहाँ पर प्रारंभिक वेग यू होता है इसलिए हमें इसे देखना पड़ेगा हाफ एम यू स्क्वायर के रूप में। तो आइए गति का समीकरण लगाते हैं, और हमारा मेन हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए यहाँ पे वी वी स्क्वायर चाहिए, यानी कि जिसको हम यू स्क्वायर बोलते हैं। तो ये बनेगा फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन टू जी। तो हमें एच निकालने के लिए यू स्क्वायर चाहिए, तो गति का तीसरा समीकरण जो होता है वो क्या होता है, वो होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब देखिए अंतिम वेग कितना हो जाएगा जीरो, यू स्क्वायर जो है वो यू स्क्वायर ही रहेगा ऊपर की तरफ, और टू एक्सलेशन कितना काम करेगा नीचे की तरफ माइनस जी, और डिस्टेंस जो है ठीक है ना, डिस्टेंस जो है ऊपर कितने मीटर दी हुई है, कुछ दिया था ना कितने मीटर, 9.8 मीटर है पर सेकंड स्क्वायर। ओके तो एच अपन को निकालना ही है, चलिए जी ठीक अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये है एच, ओके यहाँ पे हमारे पास आ गया एच। तो यू स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे यू स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। परंतु हमें ये इक्वेशन ये किस पॉइंट के लिए है, टॉप पॉइंट के लिए, और हाइट हमने h मानी है जिस पॉइंट पर गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा बराबर हैं उस समय हाइट हो गई है h। तो इसको हम उस पॉइंट पर लगाएंगे इस इक्वेशन को जिस समय स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर हैं। तो ये हमने प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पे लगा दिया, परंतु इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसको प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर नहीं लगाना है, हमें इसे लगाना है उस बिंदु पर जहाँ पर हाइट h हो चुकी है। ये देखिए इस बिंदु पर हाइट h हो चुकी है, और इस बिंदु पर हाइट h होते ही इस बिंदु पर जहाँ पर हाइट h हो चुकी है वहाँ पर जो वेग आया है वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया है टू जी एच हो गया है। ओके वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच। अब आइए लगाते हैं समीकरण, तीसरा समीकरण वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच लगेगा। क्यों लगेगा माइनस, क्योंकि ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहे हो तो ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है इसलिए माइनस हो जाएगा जी। तो वी स्क्वायर इस बिंदु पर वेग कितना है टू जी एच। ओके और यू स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है और माइनस टू जी एच। तो यू स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास टू जी एच प्लस टू जी एच दैट इज इक्वल टू फोर जी एच, हमारे पास यू स्क्वायर आ चुका है। अब हमें एच का मान ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे यू स्क्वायर पुट कर देंगे, तो एच इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी है। तो कितना हो गया भाई साहब, यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास जो है टू जी एच दैट इज इक्वल टू फोर जी एच। एक मिनट यार कुछ मिस्टेक हो रही है, फोर जी एच आएगा तो फोर जी एच कैसे हो जाएगा भाई, एच के केस में तो अपन को वैल्यू ही चाहिए, तो एच इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन फोर जी, कहीं मिस्टेक हो रही थोड़ी सी, यू स्क्वायर एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन फोर जी। ओके 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 अब ठीक है, अब ठीक है, सॉरी सॉरी, हाँ अब बिल्कुल ठीक है। तो h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन फोर जी, ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ से डाल दी। चलिए तो h इक्वल टू यहीं से यू स्क्वायर अपॉन फोर जी, तो u प्रारंभिक वेग हमें कितना दिया गया क्या, हाँ 9.8 दिया गया है, तो 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 और अपॉन फोर जी, जी की वैल्यू खुद में 9.8 होती है, इसको कैंसिल कर दिया और 9.8 अपॉन 4 कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए 9.8 को 4 से, तो 2. समथिंग आएगा क्योंकि 4 दूने 8 होता है। ओ माय गॉड, चारों ऑप्शन 2.4 के आसपास हैं। ओके तो 9.8 का आधा पहले कर दो, तो 9.8 का आधा 4.9 और 4.9 का भी आधा
तो 49 का आधा कितना होता भाई, 49 का आधा 28, नहीं 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 28 क्यों होगा, 48 होता 24 का, 24.5 49 का आधा, तो 4.9 का 2.45, तो 2.45 सी इसका आंसर होगा, 49 का हाफ। ओके सो आंसर विल बी 2.45। बताइए एक बार माइक ऑन करके, क्लियर है कि एक बार और एक्सप्लेन करूं? हेलो क्लियर है सर। ओके ठीक है, देख लीजिए एक बार जल्दी से इसको बता देते हैं। हो क्या रहा था इसमें कि ये कह रहा था कि यहाँ से आपने बॉडी को फेंका और यू आपको दिया गया है कि इस समय जो आप फेंक रहे हो बॉडी को ना, बॉडी को फेंकते समय आपकी जो स्पीड है वो 9.8 मीटर पर सेकंड है, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड से आप फेंक रहे हो। इस वेलोसिटी से कह रहा है कि किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी। तो जब आप फेंक रहे हो तो बॉडी के पास क्या है, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम वी स्क्वायर है। और अगर जिस बिंदु पर ये गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है, मान लेता हूँ वो ऊंचाई h है, तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, एम से एम क्या हो गया कैंसिल। ओके तो ये v यहाँ पे कहना गलत रहेगा, u से फेंक रहे हो आप, तो एम यू स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। ओके सो हाफ यू स्क्वायर इक्वल टू जी इंटू एच। ओके तो h इक्वल टू कितना हो गया, यू स्क्वायर अपॉन टू जी। यू की वैल्यू हम बाद में रख सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए इस बिंदु पर वेग v हो गया है। ओके तो अब हमारे पास इस बिंदु पर वेग v हो चुका है, तो v स्क्वायर इक्वल टू ये h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी हो चुका है। अब तो कुछ करना ही नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला देखा जाए तो किसी काम का ही नहीं है, इसी से सवाल हो रहा है सॉल्व, कुछ भी नहीं करना, इक्वेशन ऑफ मोशन बेवजह उलझा दी अपन को। तो h इक्वल टू यू स्क्वायर, यू की वैल्यू कितनी है 9.8 इंटू 9.8 अपॉन टू जी, टू इंटू जी की वैल्यू 9.8, तो सिंपल इसका आंसर इसी से आ गया है। मतलब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन का कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है, आप फाइनल वेलोसिटी थोड़ा ना आपको पूछी गई कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, आपसे ये पूछा गया है कि हाइट क्या है। तो अगर आप वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच लगा रहे हो तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी आपको देगा, तो इससे अभी कोई मतलब नहीं है, इसको गोली मारिए। ठीक है ना, सो आंसर 9.8/2 9.8/2 ही आया था ना, नहीं 9.8/2 जी है। ओके 9.8/2 जी, कुछ मिस्टेक फिर से हुई है, 4 आना चाहिए नीचे क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग आया है, कुछ मिस्टेक यहाँ पे फिर से हुई है, सोचिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, बताइए क्या हुआ है, कुछ गलती करी क्या हम लोगों ने यहाँ पे। हाफ एम वी स्क्वायर, सबसे पहले यहाँ पे वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर और h हाइट पर ये हो चुकी है एम जी एच, तो दैट इज़ इक्वल टू हाफ यू स्क्वायर इक्वल टू जी एच, तो h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी, तो h की वैल्यू हमारे पास जो है वो यू स्क्वायर अपॉन टू जी आ जाएगी। ठीक है, फेंकते समय, और अब हमें निकालनी है कि इस पॉइंट पर क्या होगा h की वैल्यू, जहाँ पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो गई है। ओके देखिए अब यहाँ पे क्या गलती हुई है, इतना ज़्यादा डेलिकेट क्वेश्चन है ये, देखिए हमने क्या कर दिया है, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो अंदर कोई क्वेश्चन बन गया हमसे, ये हो गई, हमने क्या कर दिया मित्रों इसमें कि हमने इसको कंपेयर किससे कर दिया है, हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी वाले से कंपेयर कर दिया है, जबकि हमें ये करना नहीं है। हमें कह रहा है कि वो कौन सा जगह है जहाँ पर उसी पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा और उसी पॉइंट की गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, ये देखिए ये पूछा गया है। और अभी हमने क्या कर दिया, अभी हमने ये कर दिया कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, तो हमको ये टॉप पोजीशन दे रहा है, सबसे ऊपर वाली पोजीशन, क्यों, इसलिए क्योंकि हमने पूरी 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 की पूरी गतिज ऊर्जा जो है उसको कन्वर्ट करा दिया एम जी एस से, तो हमको इसने टोटल हाइट दे दी एक्चुअली, मतलब जो 9.8/2 जो उसको आप 4. कितना 9 बोलते हो ना, वो टोटल हाइट हमको मिलेगा, तो हमको इधर आधा वाला चाहिए ना उस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा से, तो ये 4.9/2 आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें दो क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, मुझे हो गया, तो जो यकीनन है भाई मैक्सिमम बच्चों को तो हो सकता है। 2. कितना बताया अपन ने इसका, 4.5। प्लीज़ बताएं इसमें डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों का, हम जो कहना चाह रहे हैं आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए।
जी सर हो गया। जी हाँ सर नमस्ते, सूरज सर नमस्ते। तो यहाँ पर सर जो नमस्ते सर। नमस्ते सर, तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि नीचे वाली आप स्थितिज ऊर्जा को कन्वर्ट करो, वो बिंदु बताओ जहाँ पर उसी बिंदु की स्थितिज ऊर्जा और उसी बिंदु की गतिज ऊर्जा बराबर हो गई। तो मान लिया यदि इस बिंदु पर वेग v है, तो इस बिंदु पर वेग v है तो यहाँ की गतिज ऊर्जा क्या होगी, एम वी स्क्वायर, और इस बिंदु पर ऊंचाई h है तो इस बिंदु की ऊंचाई क्या होगी, एम जी एच। याद रखिएगा यहाँ v नहीं रख सकते हो, u नहीं रख सकते हो, यहाँ पे v आपको निकालना पड़ेगा, और v निकालने के लिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh का खेल खेलना पड़ेगा, फिलहाल g माइनस हो जाएगा। ओके ऐसे आएगा ये, यहाँ पर इस तरीके से आएगा ये। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो यू इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ओके और यहाँ से फिर m से m काट करके जो वी स्क्वायर आपके पास आएगा वो आएगा 2gh, तो यहाँ से फिर आपके पास 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितना, 4gh। अब इस बिंदु पर आप हाइट निकाल लीजिए, यू स्क्वायर अपॉन 4g। देखिए क्वेश्चन सरल तो है मगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, यकीनन इस ऐसे क्वेश्चन को बच्चे त्रुटि की वजह से गलत करके आए होंगे, कंसेप्ट लगाए होंगे परंतु दिमाग में आया नहीं होगा तो भूल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 64, द स्टेटमेंट तीन बल अगर लगते हैं तो भाई सबको पता है कि ये जो होता है लामी का नियम होता है, तो इसमें लामी का कोई नियम नहीं दिया है, तो इसका आंसर डी हो सी जाएगा, डी आंसर सर, सी है ही नहीं इसमें। देखिए लामी के प्रमेय का विपरीत बोल रहा है सर क्वेश्चन, आप जल्दी पढ़ गए आंसर, तो एक नन ऑफ दीज हो जाएगा सर, जी इसका सर। आंसर इसमें दिया ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी वी मीटर पर मिनट है, तो आपको बताना है द ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड बाई द बॉडी इक्वल टू, तो अगर आप बॉडी को फेंक रहे हैं वी से, वी मीटर पर मिनट से, अब मीटर पर मिनट से फेंको या सेकेंड से फेंको, तो ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड बाई द बॉडी, वर्टिकली अपवर्ड फेंका है मतलब कि सीधी सीधी बात है कि गतिज ऊर्जा आप स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर दो, तो एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो गया, 2gh इक्वल टू वी स्क्वायर, तो सीधी बात है अधिकतम ऊंचाई जो प्राप्त करेगा दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2gh, है ना, तो h इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन फोर्थ 2g। पर आएगा। हाँ सर देख लीजिए फोर्थ आंसर, यस बिल्कुल सही फोर्थ आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन नंबर 73, कई बार करा चुका हूँ इसको, जल्दी से आप लोग कर दीजिए फटाक से आंसर दे दीजिए। दो प्रोजेक्टाइल हैं सेम हाइट में अटेंड करते हैं तो रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज़ 60 और 30 में फेंकने के बाद, अगर दोनों की हाइट सेम है मतलब एच वन इक्वल टू एच टू का फॉर्मूला लगाइए, तो इनके वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। ओके बताइए क्या होगा, वेलोसिटी जब प्रोजेक्शन का रेशियो निकालना है दोनों की सेम हाइट है। आगे सर √3 रेशियो बनाएंगे सर। √3:1, चलिए सर करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की हाइट u1 है, सेकंड की u2 है, प्रोजेक्टाइल की हाइट h1 है, दूसरे की h2 है, तो h1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, पहले वाले का एंगल कितना है सर, पहले वाले का एंगल आई थिंक 60 है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन कितना 2g इक्वल टू यू वन स्क्वायर इक्वल टू यू टू स्क्वायर साइन स्क्वायर, दूसरे का 30 डिग्री है सर, 30 डिग्री अपॉन 2g, 2g से 2g हो गया कैंसिल, तो यू वन अपॉन यू टू का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन 30 यानी 1/2, और ये कितना हो गया सर √3/2 से 2 कैंसिल, तो सर यू वन अपॉन यू वन टू, रेशियो √3। अच्छा ये √3/2 का 4 हो जाएगा सर क्योंकि सब में स्क्वायर लगा है, तो ये 4 हो गया, 4 से 4 हाँ कैंसिल, सबका स्क्वायर लगा है ना सर, हाँ तो जी वन सर बाई इस रूट पर, थ्री तो आंसर u1 अपॉन u2 इक्वल टू 1/√3। हाँ जी सर बिल्कुल सही है 1/√3। चलिए अगला क्वेश्चन है सर, PGT का क्वेश्चन है ये कंसेप्ट, मगर TGT में नहीं है तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ए बॉल इज ड्रॉप्ड हाइट h हॉरिजॉन्टल प्लेन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इम्पैक्ट इज ई,
द वेलोसिटी ऑफ विच द बॉल रिबाउंड्स फ्रॉम द फ्लोर. बच्चों याद कर लीजिए, इसका आंसर है डी ई अंडर रूट टू जी एच. मतलब कि ई मतलब प्रत्यावस्थान गुणांक होता है और उसका गुणा हो जाता है, मतलब उसका पार्ट हो जाएगा. तो ई अंडर रूट टू जी एच टोटल, टोटल वेलोसिटी भी इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच होती है, अभी हमने देखी. मगर जो नया वेग आएगा अलग होने का वेग ऊपर जाने के बाद, वो होता है ई अंडर रूट टू जी एच. ठीक है ना. और याद रखिए ई का मान शून्य से लेके एक के बीच में हुआ करता है. नोट कर लीजिए, ई का मान जो होता है वो शून्य से लेकर के एक के बीच में हुआ करता है. ई का मान भी पूछा जा सकता है, तो ई का मान जीरो से लेकर वन के बीच में हुआ करता है. चलिए जी, ठीक. द बॉडीज ऑफ मास एम एंड फोर एम आर मूविंग विद द इक्वल मोमेंटम, द रेशियो ऑफ द देयर काइनेटिक एनर्जी. दो द्रव्यमान जिनके मास एम तथा चार एम है, उनके मोमेंटम इक्वल हैं, उनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा. देखिए फॉर्मूला नोट करिए, E इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम, ये होता है फॉर्मूला, है ना. E इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम, ये फॉर्मूला नोट करिए. किसका किसका फॉर्मूला, ये गतिज ऊर्जा तथा मोमेंटम संवेग में संबंध होता है. तो E प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, m, क्योंकि संवेग समान है. तो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, मतलब E1 अपॉन E2 बराबर m2 अपॉन m1. तो उनके द्रव्यमान जो हमको दिए गए हैं वो कितना कितना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 76, m और 4m. तो भैया नीचे आएगा m और ऊपर आएगा 4m, क्रमशः m और 4m दिए गए हैं. तो काटा कुटी कर दीजिए, आंसर आ गया 4 ratio 1. चलिए बोलिए, सही है, समझ में आया कि नहीं आया. आ गया सर. ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 78 है, द डायरेक्शन ऑफ द थ्री फोर्सेस 1 newton 3 newton एक्टिंग एट ए पॉइंट पैरेलल टू द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज. तीन बल आपके सामने दिए गए हैं और तीनों जो हैं वो त्रिभुज की दिशा में काम कर रहे हैं, लगातार क्रमशः त्रिभुज की दिशा में. तो कह रहा तीनों का परिणामी क्या होगा. बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ये पीजीटी का होना चाहिए ना, ये क्वेश्चन टीजीटी में नहीं आ सकता. यस, ये देखिए क्वेश्चन है, कह रहा कि तीन बल जो हैं 1 newton 2 newton 3 newton, ये लीजिए भाई साहब. तो यहाँ पर जो है आपके पास में ए बी सी ऐसा कुछ बना लीजिए. यहाँ पे काम कर रहा है ए से लेके बी में 1 newton और बी से लेके सी में 2 newton और सी से लेके ए में 3 newton. तीन बल क्रमशः कार्य कर रहे हैं, कौन जुड़ना चाह रहा है, तीन बल क्रमशः कार्य कर रहे हैं. तो अब आपके पास में तीन बल क्रमशः कार्य कर रहे हैं 3 newton ना, इस तरीके से. और कैसे काम कर रहे हैं वे, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि 60 डिग्री और 60 डिग्री. देखिए जरा लामिस थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया है, यदि इस बल को इस तरफ आप अग्रसित करें कट 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 कट, तो ये बल यहाँ जा सकता है, नियम होता है सदिश का. इन बलों के बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री. तो कुल मिलाकर के यहाँ तीन बल आपस में 120 डिग्री के बीच में काम कर रहे हैं, क्योंकि यदि ये बल है तो इसको अग्रसित करोगे तो नीचे आएगा. तो ध्यान से देखो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री है, 120 डिग्री. तो मतलब हुआ क्या, एक बल यहाँ काम कर रहा है, क्या नाम है इसका, 1 newton, और एक बल जो है 1 newton यहाँ काम कर रहा है, एक बल ये ऊपर वाला बनेगा 2 newton, क्योंकि हमारा आगे बढ़ गया, ये 120 डिग्री है. ओके, और तीसरा जो बल है वो नीचे की तरफ आएगा, ये भी कितने डिग्री है, ये 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री है. ये बन गया तीन बल और तीनों जो हैं लामीज थ्योरम के अनुसार कार्य कर रहे हैं बढ़िया तरीके से. किसी का रिक्वेस्ट आता है फिर बाद में ज्वाइन नहीं होता है, बजर बज जाती है रिक्वेस्ट की. चलिए तीनों बल काम कर रहे हैं, अब आपको जो है इनको बलों का परिणामी ज्ञात करना है. तो देखिए अपन जानते हैं कि यदि कोई अपने पास परिणाम आर है आर, तो आर का थीटा की दिशा में कंपोनेंट टूटता है क्या, आर कॉस थीटा. तो यहाँ देखिए मूल वेक्टर जो है 1 newton का बना लीजिए, 1 newton आपका एक्स अक्ष की दिशा में मान लीजिए. ओके, तो एक्स अक्ष की दिशा में जो कंपोनेंट टूटेंगे आर एक्स, सबसे पहला तो 1 newton है एक. ओके, अब देखो 2 newton का जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है, 120 डिग्री. तो इसका जो अक्षीय सदस्य गिरेगा, अक्ष कंपोनेंट, वो गिरेगा 2 cos 120. और ये जो है इसका जो कोण बन रहा है, देखिए 120 यहाँ और 120 यहाँ, तो अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो -120 ले लो और एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो 240 ले लो. तो
तो हम तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे और परिमाण है 3 न्यूटन, तो ये बनेगा 3 cos एक कितना 240 डिग्री। हाँ आ गया, तो 1 + 2 × cos 120 कितना हो गया भैया, -1/2। और 3 cos 240 कितना हो गया सर, 180 और 60, ये भी तो 100 अगेन इट इज -1/2। हाँ सर -1/2, तो भैया ये कैंसिल हो गया है ना, ये 1 से -1 कैंसिल हो गया और कितना बच गया केवल -3/2 है ना सर। 240 √3/2 होगा क्या सर, 120 + 60 सर वो, अरे सर 120 जो होगा ना कॉस में है ना सर, कॉस 120 माइनस वन बाई टू माइनस थीटा, -1/2 ये भी होगा, 140 -1/2 होगा सर। चलिए चल सही है सही है सही है सर, कितना हो गया सर -3/2, बिल्कुल सही सर। तो एक इसका घटक आ गया -3/2 न्यूटन। चलिए ये आ गए अपने पास में कौन से वाले, ये अपने पास जो घटक आ गए हैं ये आ गया अपने पास x का घटक। अब देखिए y घटक निकालते हैं, तो y घटक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, y घटक निकालने के लिए साइन वाला कंपोनेंट निकालिए, आर वाई इक्वल टू, तो 1 का साइन कंपोनेंट कुछ है ही नहीं है, तो 1 sin 0, इसका साइन दिशा में कुछ लग ही नहीं रहा है, तो 1 sin 0 जीरो डिग्री, क्योंकि खुद इस दिशा में है, y दिशा में कोई घटक नहीं है। ये देखिए अगले वाले का, देखिए अगले वाले का निकलेगा 2 sin 120, आपको पता होगा ना r cos थीटा, और जो लंबवत घटक आता है वो होता है r sin थीटा, ये तो सबको पता होता है, तो r 2 sin 120, और लास्ट में निकलेगा कितना भैया, ये 3 sin 240। चलिए सर जोड़ दीजिए सर 3 sin 240, तो 1 sin 0, साइन जीरो जीरो होता है यानी कि जीरो हो गया पहला, 2 sin 120, साइन 120 पॉजिटिव यानी √3/2, क्यों सर √3/2 की 1/2, साइन 180 -60 √3/2 सही है, और प्लस 3 sin 240 180 + 60 है ना, 180 + 60 कितना हुआ सर माइनस में √3/2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, तो 2 √3/2 और -√3/2, तो कितना आ गया भैया -√3/2। सूर्य सर क्लियर है, हेलो हाँ हाँ सर, सर क्लियर है जी सर, जी सर हाँ, तो दो घटक टूट गए इसके, एक्स दिशा का घटक जो अपने निकाला है वो कितना आया भैया, वो आया है -3/2, यही है ना एक्स दिशा घटक, हाँ -3/2, और जो वाई दिशा घटक आया है वो कितना आया भैया, वो आया है -√3/2, हाँ जी सर -√3/2। तो यदि आप इसका और दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो परिणाम परिमाण जो जाता है r बराबर √x² + y², तो √√3 - √3/2² + -3/2² अंडर रूट कर दीजिए इसको, 3 का स्क्वायर हो गया 3/4 प्लस 3 * 9/4 9 और 3 = 12/4 यानी कितना गया 3, आंसर आएगा √3 न्यूटन। चलिए देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है, ऑप्शन में है बिल्कुल, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका डी। तो कोई भी बल अगर इस तरीके का है तो अपन इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है सर जी सर। अगला क्वेश्चन तो अपन कई बार कर चुके हैं, इसका आंसर भी याद हो चुका है अपन को अब तक है ना, अगर ये क्वेश्चन आ गया ए आंसर है तो सर एकदम टूट पड़ेंगे एकदम, हाँ हाफ जी वन जी टू बिल्कुल सर, तो ये याद हो चुका है हाफ जी वन जी टू हो गया। अगला क्वेश्चन का आंसर से 82, ये क्वेश्चन एक बार फिर से कर चुके हैं, डायरेक्शन कह रहा टू बॉलर प्रोजेक्टाइल एट सेम हाइट, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, चलिए बताइए सर उनके वेलोसिटी का रेशियो, सेम हाइट है उनके वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। ये तो सर अभी अभी किया गया था ना सर, वन रेशियो तो √3 आया था, हाँ तो कितना आंसर आएगा सर ये बता दीजिए, 1 √3 बिल्कुल सही सर, 1 √3 अभी अभी किया था अपन ने। चलिए अगला क्वेश्चन करिए सर, ए पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एफ विद इनिशियल वेलोसिटी यू, द डिस्टेंस डिस्क्राइब बाई द पार्टिकल इन द सेकेंड, हाँ दूसरे सेकेंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की जाएगी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ इसका डायरेक्टली क्वेश्चन, एस इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, एस एंथ बी आंसर आएगा सर, यू प्लस ए बाई टू 2n - 1, तो देखिए क्या है इसका प्रारंभिक वेग, इसका प्रारंभिक वेग है इनिशियल वेलोसिटी यू है,
एक्सेलेरेशन इसने शायद एफ ले रखा है, और सेकंड सेकंड यानी दो दूनी चार माइनस एक यानी कि थ्री, तो यू प्लस ऑप्शन बी थ्री बाई टू एफ, यस यू प्लस थ्री एफ बाई टू, कोई दिक्कत नहीं सर, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन, ए कॉन्स्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर मास 20 ग्राम प्रोड्यूस एन वेलोसिटी 27 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जानते हैं फोर्स इक्वल टू कितना होता है, एफ इक्वल टू एम ए। तो ये क्वेश्चन हमने फोर्स की क्लास में कराया था, शायद ये हम करा चुके हैं क्वेश्चन, शायद 6 सेकेंड तक मोशन करती, तो इसमें सबसे पहले हम वो लगाएंगे इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिससे अपना एक्सलेशन आ जाएगा, है ना। यस ये देखिए, तो 99 आ गया सर, एक्सलेशन आ गया 99 सर, 99, और फिर एफ इक्वल टू एम ए से अपना बल आ गया था 99, बिल्कुल सही सर, 79। चलिए सर, अब इसके बाद अ फोर्स विच कैन व्हेन एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 54 किलोग्राम विल मूव इट 8 किलोमीटर इन 1 मिनट। 8 किलोमीटर 1 मिनट में यदि मूव कर देता है, मतलब क्या लग जाएगा भाई साहब, इसमें वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस का कंसेप्ट लग करके इसमें एक्सलेशन आ जाएगा, और फिर हम निकाल लेंगे इसका मास, फोर्स एफ इक्वल टू एम ए। बोलिए सर, ठीक है। एट्टी सिक्स वाला ठीक है सर। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ सर, ए फोर्स विच मैन एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 54 किलोग्राम, लिखिए सर मास कितना है, 54 है, एम इक्वल टू 54 किलोग्राम, विल मूव इट 8 किलोमीटर इन 1 मिनट, मतलब एस इक्वल टू दिया सर 8 किलोमीटर मतलब 8000 मीटर, और टाइम दिया गया कितना अपने पास 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड, तो सर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, है ना। और सर देखो यू दिया नहीं, मतलब प्रारंभिक वेग यहाँ पे जीरो समझ में आ रहा है ना, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके ए निकाल लेंगे, हाँ सर, और एफ इक्वल टू एम ए कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा सर। जी जी सर, ठीक है ना। ये देखिए सर, इस तरीके से करा है, पहले करा अपने, ठीक है सर। 240 है क्या सर, ऑप्शन में है, हाँ 240 है सर ऑप्शन में, ठीक ठीक सर, ठीक है ना, तो 240 न्यूटन आ गया ऑप्शन में। चलिए तो 240 न्यूटन है। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर विच द पोलर सब टेंजेंट इज कॉन्स्टेंट, तो ये मैंने कराया था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपन को पोलर टेंजेंट का फॉर्मूला याद रखना। अब पोलर सब टेंजेंट यानी कि ध्रुवीय अधोस्पर्शी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, तो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर ये होता है फॉर्मूला, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, इसको लेकर के अपन इसको हल कर लेते हैं, तो ये फॉर्मूला आ गया था, याद है सर, कराया था, ठीक है, इस तरीके से हो गया। ये भी करा चुके हैं हम, त्रिज्या को आधा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 बीटा गामा फंक्शन भी हम करा चुके हैं एक दिन, तो ये पहले क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, यदि दो बलों के परिणामी का अधिकतम न्यूनतम मान, ये भी करा चुका हूँ, एफ वन प्लस एफ टू और एफ वन माइनस एफ टू, ये भी हो चुका है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ द टू इक्वल फोर्सेज बीटा उन पे आधा है, ये भी क्वेश्चन करा चुके थे सर, इसमें आपने मेथड बताई थी कि सर आप स्क्वायर कर लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन, यदि पी बाई टू क्यू बाई टू आर कर रहे थे तो एंगल आर और पी के बीच का, यस यदि पी बाई टू क्यू बाई टू तो एक हो जाएगा, इसको टी ले लीजिए, है ना, और इसको ये ले लीजिए, इसको करके चलिए इसको सॉल्व कीजिए सर सभी लोग, एक मिनट, थोड़ा सा एरर आ रही है, इसको दूर करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको क्लोज कर रहा हूँ, पीपीटी को 199 पेज पे हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 94, कैसे करेंगे देखिए, पी बाई टू क्यू बाई थ्री और आर बाई फोर, अगर आर तीन बिंदु बल कार्य कर रहे हैं और
कार्य दो बलों P और Q का परिणामी है, R जो है दोनों का परिणामी है, तो पहले परिभाषा से हम निकाल लेंगे क्या cos अल्फा, मतलब पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जो फार्मूला लगता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू cos अल्फा से इक्वल टू आर स्क्वायर करके हमारा परिणामी आ जाएगा। फिर उसके बाद R और P के मध्य का कोण निकालना है, R और P के मध्य का कोण मतलब R का R क्या है परिणामी है और P क्या है P आधार वेक्टर है, तो फॉर्मूला लग जाएगा। बताइए बनेगा नहीं बनेगा, बताइए बनेगा नहीं बनेगा मित्रों, इसको हम करवा चुके हैं एक बार, ये देखिए इसका सलूशन, ये है इसका सलूशन। बी आएगा क्या सर आंसर? इस तरीके से कराया था, इसका आंसर आया था 3√15/11। हाँ जी बिल्कुल सही सर, बी 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 फॉर बॉल जी, जी सर। हाँ सर तो ये कर चुके हैं अपन। अगला क्वेश्चन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन किसके किसके बीच में होता है? बताया था कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0 से लेके 1 के बीच में हुआ करता है, तो इसका आंसर सी है, है ना। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब कि घर्षण गुणांक 0 से लेके 1 के बीच में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये नहीं हुआ अभी तक, ये करना चाहिए। 98 क्वेश्चन, यदि किसी सरल रेखा के सापेक्ष, ये आपको दिया गया है क्या, इसका विस्थापन दिया गया है और कह रहा है कि यदि वे ऋणात्मक हो तो क्या होगा, तो चलिए सबसे पहले विस्थापन लिख लीजिए और इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट कीजिए और उसके बाद लेस देन जीरो लगा के वेवीस्कर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो विस्थापन का समीकरण s इक्वल टू कितना दिया है, t³/3 - 5t² + 90+17 ये दिया गया है, तो वेलोसिटी बराबर ds/dt होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3t² तो t² - 5 × 10t और प्लस 9। ओके अब देखिए क्या कह रहा है, t - 9 फैक्टराइज कर लीजिए। हाँ सर फैक्टराइज कर लेते हैं, अब कह रहा है कि t - 9 t - 1 इक्वल तो t² - 9t - t + 9 तो t - 9 t - 1 t - 9 t - 1 तो t = 1 और t = 9, ये वेग के लिए अपने पास क्रिटिकल पॉइंट बन चुके हैं, एक 1 है और एक कितना है 9 है, गुणांक पहला धनात्मक है मतलब अंत में प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, तो ये पूछा जा रहा है कि किसमें अंतर्वल में मान ऋणात्मक होगा, तो टी इज बिटवीन 1 to 9। ठीक है सर? हाँ सर जी सर, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए एक मिनट सर थोड़ा दिखाइए एक बार फिर से। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू आर एक्टिंग। राहुल सर प्लीज़ थोड़ा सा साउंड कम कर लो, आपका और साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि वीडियो शूट होता है ना पीछे बैकग्राउंड में, तो फिर वो कमेंट करते हैं लोग कि बैकग्राउंड आवाज़ ज़्यादा आती है ऐसा वैसा, इसलिए बस। 103 क्वेश्चन देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एंगल थीटा इक्वल टू, भैया पी और क्यू का परिमाण इतना लिखा है और जब दोनों 90 - थीटा बैक करते हैं तो इनका परिमाण इतना हो जाता है, तो बताना है आपको कि tan थीटा कितना होगा। तो दो परिस्थितियां यहां पर क्वेश्चन क्रमांक 103 में दी गई हैं, दोनों परिस्थितियों में आपको परिमाण दिया गया है, तो चलिए भैया पहले दोनों परिस्थितियों का परिमाण अपन निकाले लेते हैं, उससे अपना हल आ जाएगा। देखिए पहला बल, पहला परिमाण कितना है, दो बल हैं रिजल्टेंट फोर्स पी और क्यू, तो 2m + 1√p + q² ठीक है भाई लो, तो फार्मूला क्या होता है, r² = p² + q² + 2pq cos थीटा। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके जो पहला केस बन रहा है वो क्या बन रहा है, जो पहला परिमाण दिया गया है √2m + 1√p² + q², तो डायरेक्टली स्क्वायर कर देता हूँ मैं, तो 2m + 1² यहाँ पे सॉरी √p² + q² रूट हट जाएगा, तो p² + q² देख लो परिमाण यही है ना, तो कितना बन जाएगा इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ये पहला बन गया। इसको यदि आप खोल खाल डालो तो 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, और पी स्क्वायर यहाँ है तो माइनस 1 और ब्रैकेट में पी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 इधर पे आएगा क्यू स्क्वायर, ये भी कैपिटल क्यू ही ले लो, इक्वल टू 2pq cos थीटा, ठीक है। यदि हम 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का कंप्लीट होल स्क्वायर यदि कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ब्रैकेट में बचा हमारे पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और इक्वल टू 2pq cos थीटा। अब ये बना लो नंबर 1। चलिए दूसरा केस क्या है, दूसरे केस में एंगल बस बदल दिया गया है। तो यार आप अगर एंगल बदल दोगे तो परिमाण कितना दे रखा है, परिमाण भी चेंज कर रखा है। पहले वाले केस में परिमाण 2m प्लस 1 था, दूसरे में 2m माइनस 1 है। लियो भाई, तो मैं क्या कर दूंगा इसको, मैं कर दूंगा 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 1, ओके okay, और क्या आएगा जी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, टू पी क्यू साइन थीटा, टू पी क्यू साइन थीटा, बिल्कुल सही सर, दोनों डिवाइड कर दें सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि अपन को टेन थीटा चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, हाँ, थीटा, हाँ, हाँ, तो सेकंड में बी में फर्स्ट का डिवाइड कर दें, बी डिवाइड नंबर डी करेक्ट सर, ऑप्शन नंबर डी, तो सर 2pq से 2pq कैंसिल हो गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर से q कैंसिल हो गया, साइन अपॉन टैन थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, डायरेक्ट ओपन कर दीजिए सर, हां अपॉन जी जी 2m 2m नहीं सर, ऊपर 2m माइनस 1 आएगा, है ना, हां और नीचे 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है सर, यही है माइनस 1 जी जी सर, हां हां ओके सर, ये तो ऑप्शन कुछ और दिया है, कंपोनेंटो डिविडेंडो मांग, नहीं नहीं सर उसको ओपन कर दीजिए आ जाएगा सर, होल स्क्वायर ओपन करिए, हां कैंसिल होगा, कैंसिल होगा, 4m स्क्वायर प्लस 4m, सत्य वचन, बिल्कुल सही सर, तो 4m स्क्वायर प्लस 4m माइनस का प्लस का 1 ऊपर माइनस, ये माइनस 4m होगा सर, ऊपर माइनस 4m, हां अब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 कैंसिल 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 कैंसिल, अब 4m कॉमन ले लेंगे सर, बराबर tan थीटा, यहां से यदि 4m कॉमन ले लेंगे तो इतना बचेगा, तो ऊपर m माइनस 1 नीचे m प्लस 1, अब 4m कॉमन लेकर नीचे m प्लस 1 tan थीटा, 4m से 4m कैंसिल, आंसर m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, ठीक है ना गुरुजी, बिल्कुल सर बिल्कुल, चलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट, चलिए सर ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, यदि किसी पिंड के खुरदुरे नत समतल पर वह केवल स्वयं के भार के अंतर्गत नीचे की ओर फिसलने वाला हो तो समतल का झुकाव, भाई फिसलने वाला हो तो घर्षण कोण के बराबर होता है झुकाव, कल मैंने बताया था कि ये जो झुकाव होता है, ये झुकाव है ना, ये जो झुकाव हुआ करता है ये घर्षण कोण के बराबर होता है, थीटा इक्वल टू लैम्डा। अच्छा घर्षण कोण कहाँ बनता है ये देख लो, घर्षण कोण ये इसका परिणामी है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ की तरफ बनता है क्या घर्षण बल, तो ये जो परिणामी बल का जो कोण बनता है इसको बोलते हैं घर्षण कोण लैम्डा। तो संतुलन की अवस्थिति में, इस स्थिति में बस वो गिरने वाला हो, लैम्डा बराबर थीटा, तो नोट कर लो टेन लैम्डा बराबर टेन थीटा बराबर म्यू, ये एक परिस्थिति होती है, इसको याद ही करना पड़ेगा, फिजिक्स का एक संदर्भ है ये, तो ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, घर्षण कोण के बराबर होता है, ठीक है ना, नमन कोण घर्षण कोण के बराबर होता है, डन सर जी, जी सर, ए ऑप्शन घर्षण कोण के तुल्य, ये देख लो ए। चलिए यदि कोई पिंड किसी वस्तु के परतः परिक्रमण करने को बाध्य है तो स्थिर बिंदु पर प्रतिक्रिया के द्वारा कृत कल्पित कार्य कितना होगा, जो शून्य, क्यों होगा शून्य, देखो भैया वेक्टर के कंसेप्ट लगे हुए हैं इसमें, क्योंकि यदि वृत्ताकार मार्ग पर गति हो रही है तो बल इस तरीके से लगता हमेशा केंद्र की ओर, क्योंकि वृत्ताकार मार्ग पर जो बल जिम्मेदार होता है वो अभिकेंद्र बल होता है, और यहाँ पर
बल और विस्थापन के बीच का कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। फिजिक्स में और मैथ में दोनों में कंसेप्ट आता है बल गुणे विस्थापन का सदिश। जो बल होता है वो सदिश से वेक्टर हुआ करता है, तो बल गुणे विस्थापन सदिश रूप में होता है। तो बल बराबर एफ इंटू एस इंटू कॉस 90, और कॉस 90 बराबर 0, तो कुल आंसर हो जाएगा 0। क्या सर? सर क्या कह रहे हैं? नीरज सर आवाज आ रही है आपकी? नीरज सर, हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन, प्रयुक्त संकेतों से गतिशीलकरण का स्पर्श रेखी त्वरण। देखिए स्पर्श रेखी त्वरण मतलब कि वेग के बदलाव में लगने वाला त्वरण। तो ए बराबर होता है डी वी बाई डी टी, तो ए बराबर हो गया डी वी बाई डी टी है। तो यदि मैं हम इसको डी वी अपॉन डी एस का गुणा कर दे नीचे और डी एस ऊपर ले आए, तो डी एस अपॉन डी टी कितना होता है? वेग और डी वी बाई डी एस। तो इसका हम एक क्वेश्चन भी करा चुके हैं, तो इसका आंसर होगा वी डी वी बाई डी एस। नोट कीजिए। ठीक है सर? हाँ हाँ सर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक सरल आवर्त गति में जिसका आवर्तकाल टी है, गतिमान है, तो महत्तम विस्थापन के लिए आधे आयाम के बराबर चलित दूरी में लगने में समय। देखिए भैया, अब ये सरल आवर्त गति है, हम आपको दो चीज़ बता रहे हैं, वो आप बिल्कुल याद करके जाइएगा। सरल आवर्त गति में दो फॉर्मूले हैं, एक ये फॉर्मूला देखिए सरल आवर्त गति का। जैसे मान लो ये पेंडुलम है, अब पेंडुलम को अगर आपने, ये जो अवस्था कहलाती है इसको बोलते हैं साम्य अवस्था, यानी यहाँ से ये चलना शुरू हो गया तो x बराबर 0। तो अगर आपने यहाँ से इसको झटका दिया है तो आप फार्मूला मालूम क्या लगाएंगे? फिर आप इसके विस्थापन का समीकरण लिखिए y बराबर a साइन ओमेगा t, ये लगाएंगे। और दूसरा, अगर आपने इसको यहाँ ला के छोड़ा है कुंटा से बिल्कुल, तो ये यहाँ गिरेगा, या एक कुंटा से छोड़े हो या एक कुंटा से छोड़े हो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस समय जो आपका फार्मूला लगेगा वाई बराबर ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि जो कॉस का ग्राफ होता है वो अधिकतम से शुरू होता है और साइन का जो ग्राफ होता है वो न्यूनतम से शुरू होता है, जीरो से। तो साइन का समीकरण तब लगेगा और कॉस का समीकरण तब लगेगा। अब पढ़ लो क्वेश्चन, एक सरल आवर्त गति जिसका आवर्तकाल गतिमान है, महत्तम विस्थापन से अधिकतम से छोड़ा गया। देख लो मतलब क्या लगेगा समीकरण इसमें, अधिकतम वाला लगेगा, है ना, मतलब ए कॉस ओमेगा टी वाला लगेगा। से कहाँ तक जाता है भैया? आधा डिस्प्लेसमेंट जाता है, महत्तम से आधा। तो लो भैया वाई बराबर अधिकतम आयाम कितना मान लो ए कॉस ओमेगा टी, आधा आयाम चलता है मतलब वाई बाई टू बराबर ए बाई टू बराबर ए कॉस ओमेगा टी, ये कैंसिल होएगा, वन अपॉन टू बराबर कितना हो गया कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री, यानी पाई बाई थ्री। अब इनको पक्का समय चाहिए होगा, चलो भाई समय चाहिए। तो ओमेगा, ओमेगा का मान कितना होता है? 2π/T। फिजिक्स का फॉर्मूला है ओमेगा कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन पूरा समय अपॉन टाइम अंतराल टी। नोट कर लीजिए 2π/T ओमेगा का फॉर्मूला होता है, इक्वल टू इंटू टी बराबर π/3। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ओके, तो टी यहाँ जाएगा और 2π/T, तो टी चाहिए है, तो स्मॉल टी इक्वल टू टी पल्टी मार के ऊपर चला गया और 3×2=6, तो समय अंतराल कितना होगा? T/6 पे, ये आधे उस पे होगा, ए ऑप्शन, यस T/6। नोट कर लीजिए, ठीक है सर? हाँ हाँ ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन, अधिकतम ऊंचाई याद हो चुका है फॉर्मूला इसका, U² sin² α/2g। चलिए लाप्लास आ गया इसका, इकलौता क्वेश्चन शीट में लाप्लास से दिया होगा। अगर किसी को लाप्लास याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ लाप्लास। देखिए लाप्लास के कुछ रूल हुआ करते हैं, वो लाप्लास के रूल याद कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन लाप्लास के आ सकते हैं। चलिए लिखिए, लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू होता है एफ ऑफ एस,
तो लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ टी बराबर होता है एफ ऑफ एस माइनस ए। प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप ई की एक्सपोनेंशियल फंक्शन से अगर किसी फंक्शन का स्केलिंग करते हैं तो वो पावर माइनस हो जाता है लाप्लास में, है ना। तो फॉर एग्जांपल आपके पास, जैसे आपके पास मान लीजिए लाप्लास होता है प्योर फंक्शन का लाप्लास ऑफ वन, कितना होता है वन अपॉन एस हुआ करता है। लाप्लास ऑफ वन कितना होता है वन अपॉन एस। वन अपॉन एस तो लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी कितना हो जाएगा वन अपॉन एस माइनस ए। बिल्कुल सही, वन अपॉन एस माइनस ए, क्योंकि ई की पावर ए टी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ये हो गया लाप्लास ऑफ वन अपॉन एस माइनस ए। अब आइए इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। कौन जुड़ना चाह रहा है भाई, राकेश कुमार जी। चलिए तो आइए इसी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हैं। हमें किसका पूछा गया है, लाप्लास ऑफ कॉस एच ए टी हाइपरबोलिक फंक्शन। तो लाप्लास ऑफ कॉस एच ए टी, तो कॉस एच का सबसे पहले सिंपल फार्मूला लिखिए। तो कॉस एच का फार्मूला होता है ई की पावर एक्स। कॉस एच एक्स कितना होता है, कॉस एच एक्स होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन कितना टू, है ना, ये हुआ था। तो कॉस एच ए टी हाइपरबोलिक ए टी, तो कॉस ई की पावर ए टी प्लस ई की पावर माइनस ए टी अपॉन में कितना टू, तो टू तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, है ना। अब इसका लाप्लास लगाना है तो लाप्लास लगेगा लाप्लास ऑफ ई का पावर ए टी और प्लस लाप्लास ऑफ ई का पावर माइनस ए टी का। तो वन अपॉन टू ई का पावर ए टी का लाप्लास वन अपॉन एस माइनस ए और प्लस वन अपॉन एस प्लस ए डायरेक्टली। तो देखिए सॉल्व करेंगे इसको, वन अपॉन टू एस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा ए प्लस ए, और उधर जाएगा तो ए ए माइनस हो गया, तो कितना हुआ टू एस, टू से टू कैंसिल होगा, आंसर एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चेक करते हैं एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। बोलिए समझ में आया सर लोगों। हेलो, यस सर। हाँ जी सर, ठीक है। तो ये लाप्लास का एक प्रॉपर्टी है सर, बाकी फार्मूला याद कर लीजिएगा, बीच बीच में आएंगे तो हम बताते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन टीजीटी में तो आया है मगर बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, ये हुआ था सर, देखते हैं। हाँ वैसे तो याद कर लेते हैं, लेट ओ बी द सर्कमफेरेंस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इफ थ्री फोर्सेस पी क्यू आर एक्टिंग अलोंग द ओ ए ओ बी एंड ओ सी आर इन इक्विलिब्रियम। देखिए खुद कह ही दिया है इक्विलिब्रियम में है तीनों बल, खुद कह दिया है कि तीनों बल जो हैं इक्विलिब्रियम में है। अब एक चीज़ याद रख लीजिए, सुनिए नोट, अगर तीनों बल इक्विलिब्रियम में हैं तो का बनाएंगे वो लामीस थ्योरम बनाएंगे, लामीस थ्योरम का निर्माण करेंगे। तो चलिए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं फिर समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है। ओ बी सर्कमफेरेंस ऑफ, सर्कम सेंटर मतलब परिकेंद्र है ओ, तो एक ट्रायंगल बना लीजिए। पहले वैसे सर्किल बनाना था अपन को, फिर ट्रायंगल बनाते हैं। ये लीजिए सर्किल और ये हो गया आपका खतरनाक ट्रायंगल बन गया एकदम। हाँ ये लीजिए ट्रायंगल ए बी सी, ये बन गया ट्रायंगल। अब इसका परिकेंद्र ओ है और कह रहा है कि तीन बल जो हैं, है ना, पी क्यू आर, क्या बल दिया था पी क्यू आर जो है ओ ए ओ बी ओ सी, यहाँ क्या एक्ट कर रहा है पी एक्ट कर रहा है, यहाँ क्या एक्ट कर रहा है क्यू एक्ट कर रहा है, और यहाँ क्या एक्ट कर रहा है आर एक्ट कर रहा है। पी क्यू आर तीनों बल एक्ट कर रहे हैं, है ना, ओ ए ओ सी ओ बी ओ सी के अलोंग परिकेंद्र है, और तीनों कैसे हैं संतुलन में हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि ये कोण अगर ए है तो सर्कल का थ्योरम होता है कि केंद्र पर बनने वाला कोण चाप के कोण का दोगुना होता है, तो ये क्या होगा टू ए। ये कोण अगर बी है तो ये वाला कोण कितना होगा टू बी, और ये कोण अगर सी है तो ये वाला कोण कितना होगा टू सी। अब बन गया अपना वही पुराना लामीस थ्योरम का सिस्टम, तो क्या कंसेप्ट लगेगा, कंसेप्ट लगेगा पी अपॉन साइन टू ए इक्वल टू क्यू अपॉन साइन टू बी इक्वल टू आर अपॉन साइन टू सी साइन टू सी। चलिए तो हमसे रेशो पूछा है पी इज टू क्यू इज टू आर का इक्वल टू हो जाएगा साइन टू बी साइन टू सी साइन टू बी
साइन टू सी, बोलिए सर सही है ना? सही है, यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन भैया। अगला क्वेश्चन किस बेस पर दिया गया है? अगला क्वेश्चन द फोर्सेस तीन बल पी क्यू आर क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के अनुदिश कार्यरत हैं और इनका परिणामी अंतः केंद्र से गुजरता हो। देखिए सर, इस बार जो परिणामी है, पिछले बार किससे गुजर रहा था? परिकेंद्र से, तो लामीस थ्योरम बड़े आराम से लग गया। मगर अंतः केंद्र क्या होता है? अंतः केंद्र जो होता है वो कोणार्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। ये लीजिए, बना लीजिए सर। ये लीजिए, सबसे पहले एक कोण बन गया है ना, त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। तो क्या है, तीन फोर्स जो हैं, थ्री फोर्सेस पी क्यू आर, तीन बल पी क्यू आर बजाय ए बी सी की बजाय बी सी सी ए बी। तो बी सी में क्या लग रहा है? पी। सी ए में क्या लग रहा है? क्यू। और ए बी के अलावा क्या लग रहा है? आर लग रहा है, ठीक है। और ए बी और कह रहा है कि यदि इनका परिणामी अंतः केंद्र से, तो इसका अंतः केंद्र देखिए, सबसे पहले अंतः केंद्र यहाँ पर इसका कुणार्धक ये गया, यहाँ इसका कुणार्धक लगभग ये गया और यहाँ इसका कुणार्धक लगभग ये गया, तो ये कहलाता है इसका अंतः केंद्र ये। अब आपको पता है एक रूल होता है कि कुल, सुनिए एक रूल नोट कर लीजिए, बलों के परिणामी बिंदु के सापेक्ष कुल आघूर्ण बराबर जीरो। ये नोट कर लो, बहुत चाहिए, बहुत ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछिए मत, मतलब 90% क्वेश्चन इसी से बनते हैं डायनेमिक्स के। तो यानी सिग्मा और एफ एक्स बराबर कितना होता है? जीरो। कुल आघूर्ण जीरो होता है अगर परिणामी बल एक दूसरे पर, परिणामी बल काम कर रहे हैं उस बिंदु पर, ठीक है ना, जिस पर रिजल्टेंट हो उसके प्रति अगर आप आघूर्ण लेंगे अलग अलग बलों का, तो कितना होगा? जीरो। मतलब इस बिंदु के परितः इसका आघूर्ण, इसका आघूर्ण और इसका आघूर्ण, तीन बल का आघूर्ण। जैसे ये है किसके परतः? इसके परतः आघूर्ण। फिर ये है किसके परतः? इसके परतः आघूर्ण। और ये है किसके परतः? इसके परतः आघूर्ण। का कुल योग बराबर कितना होता है? जीरो। हाँ, कुल योग कितना होता है? जीरो। तो देखिए, अब एक चीज़ सुने होंगे आप, अंतः त्रिज्या, उसको मान लो ये है आर और ये है आर और ये भी क्या है? आर। किसी सर्कल की, वृत्त की एक ही अंतः त्रिज्या होती है, ओके, एफ इंटू एक्स, बल गुणे लंबत दूरी। तो देखिए क्या होगा रूल से, पहली लंबत दूरी यहाँ का परपेंडिकुलर डाल दो आई एम, तो बल है पी और दूरी कितनी हुई? आई एम। प्लस अगला बल है क्यू और दूरी कितनी हुई? इसका नाम ले लो एन आई एन। अगला बल है क्या? आर और दूरी कितनी हुई? आई एस ले लो। बराबर कितना? जीरो। कहाँ से? यहाँ से, ऊपर वाला रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी, अगर आप परिणामी के सापेक्ष, किसी बलों के परिणामी के सापेक्ष अगर आघूर्ण निकालेंगे किसी भी वस्तु का, तो कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो बल का परिणामी वहाँ लग रहा है, तो उसके सापेक्ष पूरे बिंदु का, पूरे बलों का आघूर्ण जीरो होगा। तो पी त्रिज्या कितनी है? आर। क्यू त्रिज्या कितनी है? आर। बल है आर, त्रिज्या कितनी है? आर बराबर जीरो। आर कॉमन ले लीजिए, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर जीरो। आंसर क्या आएगा? आर को जाने दीजिए क्योंकि आर कांस्टेंट है, हमको बलों पे खेलना है। मतलब कुल बलों का योग बराबर कितना होगा? जीरो। चेक करिए आंसर, ऑप्शन नंबर पी बी नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। बोलिए सर, ठीक है? हेलो जी सर। जी सर, हाँ ठीक सर। अगला क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ डब्लू वेट, ए बॉडी वेट डब्लू है, अगर कोई नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में है और घर्षण गुणांक 1/3 हो, तो समतल का क्षेत्र के साथ झुकाव कितना होगा? देखिए अभी हम पढ़ा रहे हैं कि जो टेन थीटा होता है वो टेन लैम्डा म्यू के बराबर होता है, टेन लैम्डा, और वह म्यू के बराबर होता है, और म्यू अपना कितना दिया है? 1/√3।
तो टेन थीटा बराबर वन बाई रूट थ्री, यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए ये भी हो गया। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा क्वेश्चन। एक कण सरल आवर्त गति में गतिमान है यदि केंद्र का 2 सेंटीमीटर दूरी पर त्वरण 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, तो कण का आपको आवर्तकाल बताना है। देखिए, ए युगड़िया भागो यहाँ से, 125, हाँ भागो। तो देखिए, आपको कण का आवर्तकाल बताना है। देखिए, आवर्तकाल, इसका आवर्तकाल और त्वरण का रिलेशन है, त्वरण का है ना। सरल आवर्त गति में गतिमान है और यदि 2 सेंटीमीटर दूरी पर त्वरण जो है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले त्वरण का फॉर्मूला लिख लीजिए, ए बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर वाई, ये है त्वरण का समीकरण, ठीक है ना, त्वरण का समीकरण। और गति लिख लो भाई, वेग का समीकरण, वाई बराबर ए ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर माइनस, नहीं उल्टा बोल गया, वी बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या है, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का वेग, और ये क्या है, त्वरण है, ये क्या है, त्वरण। तो ये त्वरण हो गया, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। बोलिए सूरज सर, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर सूरज सर, क्लियर है त्वरण? सूरज सर हमारे साथ छोड़ दी, लेफ्ट हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बताइए, आप लोग को क्लियर है? जी सर, जी सर, यस सर, क्लियर है। हाँ, तो ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई यहाँ पर आपको दिया गया है, जो आपको जो त्वरण है वो कितना है, 8 है, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई जो है वो कितना दिया, 2 है ना, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2 आ जाएगा है ना। अपन को आवर्तकाल निकालना है, ओमेगा इक्वल टू कितना, ओमेगा बराबर अंडर रूट 4, यानी ओमेगा बराबर हो गया कितना, 2। और हम जानते हैं ओमेगा अभी हमें बताया था 2π/T बराबर 4, तो टी बराबर 2π/4, यानी कितना हो गया, टी बराबर π/2, और है ना सेकेंड होगा, नोट कर लीजिए, ओमेगा बराबर, इधर एक मिनट, सॉरी गलती हो गया, 2π/2 निकला है ना ये, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई सेकेंड आंसर आएगा, ठीक है? ठीक ठीक, चलिए, तो करेक्ट आंसर इसका है पाई सेकेंड, पाई सेकेंड। चलिए मित्रों, तो बच गए हैं 10:48 है ना। और सर, नीरज सर, आपने क्वेश्चन जो दिए हैं सभी हल हो गए हैं, उनको हम लोग कल, अभी समय से जुड़ जाएंगे सभी लोग, तो कल हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। उसको सलूशन तो करे थे ना, लेकिन उसमें हम कैसे बता, एक बार कंफर्मेशन।